हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी की जो कि इतनी फेमस है कि तुम खुद ही देख लो कितनी फेमस है। हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दो। बता, क्या नाम है मेरा? खैर, ये है वड़ा पाव गर्ल और इनको लगता है वड़ा पाव इनकी वजह से ट्रेंड में आया है। अच्छी बात है कि वड़ा पाव ट्रेंड में आ रहा है। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे सिंपथी गेन करना तो कोई वड़ा पाव वाली दीदी से सीखे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये किसी इंडियन रियलिटी शो में चली गई तो ये अपने दुखड़े और स्ट्रगल की कहानी सुना सुना के शो जीत लेगी। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को, सब खोके मिला। आसान तो था ही नहीं। तो आज कहते हैं ना, लड़कियों के फेम कमा रही है, दो दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, दो दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। दीदी, शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं, वरना तो कुछ लोगों के पैर भी नहीं होते हैं। सबके लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं और जिस जिंदगी से हम परेशान होते हैं ना, बहुत लोगों का वैसी जिंदगी जीने का सपना होता है। वड़ा पाव दीदी एक बार कैमरा देख लेती है तो उनके अंदर एमिनेम का भूत घुस जाता है। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, गुंडे गुंडे हफ्ता ले। आज किसी ने ट्वीट करा है मेरे नाम पे, 50,000 वड़ा पाव सेल करती है, 5,00,000 रुपए पर डे का कमाती है, आज तक 10,00,000 भी कमाएंगे। मुझे पैसों का बाय, मैं कल मिलती हूँ, आप सभी लोग आइए। ये देखो, इसके हस्बैंड को भी पता है कि वो ऐसे नहीं जाने वाली। वैसे तो दीदी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कैरेक्टर चली जाती हैं। अरे अंकल, अब इतना भी क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? वड़ा पाव ही तो बेच रही है, वो भी 20 वाला वड़ा पाव 50 का दे रही है, कोई फ्री में नहीं दे रही, कहीं और से ले लो जाके। क्या मतलब म्यूकस फ्लेवर्ड वड़ा पाव और कहीं नहीं मिलता? सिस्टर का वीडियो देख रहा था, काफी वायरल हो रही है वड़ा पाव को लेकर, और मैं एमपी से आया हुआ, मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, और मैं जस्ट अपनी होटल पे था तो मैंने विचार किया जब मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना उनको जाके साक्षात देखूँ उनके। यार, पहले इस बंदे को कोई एकाध ऑस्कर ला कर दे दो। मतलब भाई ने 30 सेकंड की वीडियो में इतने एक्सप्रेशन दिए जितने अर्जुन कपूर ने पिछले 10 सालों में नहीं दिए। मैम, एक घंटा हो गया, खाने दे दो मैम, देखना कौन सा वाला सर, आपको नुकसान हो जाएगा। मैम, मेरा तो मत निकालो, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा। सर, दूंगी तो वो कहेंगे भैया यूट्यूबर को पहले दे रही, हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है, ये चीजें हो जाएंगी। एक काम कर लो, कटोरा लेकर खड़े हो जाओ, क्या पता वड़ा पाव दीदी को तुम पर थोड़ा तरस ही आ जाए। जिन फूड ब्लॉगर्स की वजह से दीदी आज फेमस हुई, आज उनको ही धमकी दे रही है, और कर लो फेमस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं हूँ नागपुर का ढोली चाय वाला, मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। दीक्षित का वड़ा पाव खाने के लिए तो मेरे दोस्तों ये वड़ा पाव की मुझे जरा थोड़ा सा प्राइस बताइए। भाई, हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर डेली की सेल 5 करोड़ है। भाई 5 करोड़ यहाँ बिकते हैं भाई डेली, 5,00,000 वड़ा पाव। अरे वो सातवीं फेल, 5,00,000 वड़ा पाव की कीमत होगी 2.5 करोड़, ना कि 5 करोड़। और इतने सारे वड़ा पाव बना कौन रहा है? सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दीदी को इतना भाव दे रखा है कि दीदी से अगर 4 से ज्यादा वड़ा पाव लेना है तो पीएम ऑफिस से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। मैम 6 नहीं होंगे मैम 4। 4 लोग वड़ा पाव खाना और बाकी के लोग उनको खाते हुए देख के पेट भर लेना, यही होता है जब तुम अपने पास वाले रमेश वड़ा पाव की जगह किसी वायरल जगह चले जाते हो। दूर के ढोल बस दूर से सुहावने लगते हैं, पास जाओगे तो कान फट जाएंगे। तुम्हें पता है 20 का वड़ा पाव 50 में बेचने के बाद भी दीदी कोई शॉप लेने की जगह ठेले पर रही वड़ा पाव क्यों लगाती हैं? क्योंकि शॉप पे ना तो इतना कस्टमर लाइन लगा के आ पाएंगे और ना ही फूड ब्लॉगर्स आएंगे, और दीदी को चाहिए फुल अटेंशन। इसके लिए रोड पे जाम लगे, पीछे वाली दुकानों का नुकसान हो जो बेचारे टैक्स और रेंट पे कर रहे हैं, इससे दीदी को क्या ही मतलब। अब इस देश में हजारों लोग वड़ा पाव बेचते हैं, लेकिन पता है फेमस सिर्फ ये क्यों हुई? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। 40 का मिलता है और 50 का दे रही है क्या? कोई और बिहारन खड़ी होती ना, कोई ना जाता उसके पास।
हाँ माइक लगा लो पहले, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, वरना वायरल कैसे हो गए। हाँ लड़ाई करवा दो कस्टमर्स के बीच में, फिर रोने लगना, फिर नई कंट्रोवर्सी और फिर वही विक्टिम कार्ड। लेके आओ, मेरे पास चेंज नहीं है, जैसे हद चार सही पैकिंग हो रही है, चटनी इसलिए पैकिंग में। क्या है यार, क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो? मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी। क्या बोलूं मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं अपने बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। बस करो दीदी, मैं तुम्हारे वड़ा पाव खाने आया था, तुम्हारे दुखड़े सुनने नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो उसको वैसे ही लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, टिल देन गुड बाय।